नमस्कार दैनिक शिवचाई में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शिवम भगत के साथ। जहां एक तरफ आम जनता महंगाई की मार से जूझ रही, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हमारे युवा बेरोजगारी की मार से जूझ रहे, उसी के चलते कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय हमारे साथ जो खड़े हैं आज जम्मू कश्मीर टैंक ओनर्स एसोसिएशन ने भी आज प्रशासन से नाराजगी जताई। यही जानते क्यों नाराजगी जताई। जी सर बताइए। हमारे से टेंडर किए गए, हमारे से सिक्योरिटियाँ भी ली गई और काम जो है पंजाब स्टेट के लोगों को दे दिया गया जी। और वो गाड़ियाँ आती हैं, हमारी गाड़ियों से पहले खाली हो जाती हैं, हमें गाड़ियाँ बाद में खाली करते हैं, उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? कुछ ना कुछ उनसे लेन देन किया हुआ है और उनसे काम करा रहे हैं, उससे घाटा हो रहा है। मैं कहूँगा अगर पंजाब से माल आता है तो सरकार को घाटा होता है, लेकिन वो घाटा खाने को तैयार है लेकिन दूसरे आदमी को फायदा पहुँचा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस आर्मी लोकेशन पे गाड़ियां हमारी जाती हैं, आर्मी वालों ने लूट के सूट मचा रखी है। हमारे ड्राइवर को वहां पे खाना नहीं बनाना दिया जाता, कहते हैं आप मेस में खाओगे, बाहर नहीं खाओगे और 100 रुपये आप दोगे। अरे भाई, हमारे ड्राइवर 50 रुपये में खाना बनाते हैं, हम 100 रुपये क्यों देंगे? लेकिन वो खाना नहीं बनाने देते और वहां से उनसे 100 रुपये चार्ज करते हैं। जब तेल खाली करना होता है उनके पास माइनस वाला टेम्परेचर मीटर नहीं है, कैलकुलेशन सिस्टम एडाप्ट जो इनलीगली उससे करते हैं, उससे शॉर्टेज कर देते हैं। और हमारा माल अगर सिनर गया, खुनमू गया, जिस लोकेशन पे गया, आर्मी कहती नहीं जी उधर लेके चले जाओ, फलानी जगह लेके चले जाओ। पिछली बार पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली, कहते जी आपने गाड़ी कैसे लेके आए, कहाँ मानने कही फलानी लोकेशन का दूसरी जगह क्यों लेके आए। तो इस तरह के मसले हजारों हो रहे हैं कि हमारा जहाँ माल है उसका किराया नहीं देते हो आप, वहाँ पे लेके नहीं जाते हो, नहीं जाओगे तो महीना महीना गाड़ी खड़ी रहेगी, फिर खाना बाहर बनाने नहीं देना। तो इतनी परेशानियाँ हमारी होने के बाद 400, 500, 1000 इस तरह का लेना शुरू कर दिया ड्राइवरों से, उसके डेलिबरेटरी शॉर्टेज दिखानी और हमारी जो कैलकुलेशन है वो सिस्टम अडॉप्ट नहीं करना, अपनी चलानी और चला के क्यों आपको इग्नोर करके पंजाब के लोगों को क्यों इस चीज का मौका दिया जा रहा है? इसलिए कि उनको कुछ ना कुछ कॉर्पोरेशन को बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या? वो ऊपर वाला बेनिफिट, मैं ये कहूंगा ऊपर का जो बेनिफिट मिल रहा है ये उसके कारण उनको माल दे रहे हैं, लेकिन माल वहां से चलाना कॉर्पोरेशन को घाटा है। क्योंकि जो रेलवे के थ्रू आता है वो इनको सस्ता पड़ता है, जो इनको टैंकर भर के वहां से लाना है वो इनको महंगा पड़ता है, और इन्होंने भर भर के टैंकर जो है श्रीनगर आगे पीछे भेजना। और मैं ये भी बताऊं, ऐसी ऐसी लोकेशन पे जो है हमारे जम्मू कश्मीर के जाएंगे, जहाँ पे साफ अच्छी लोकेशन होगी वो पंजाब वाले जाएंगे। ये तो हमारे उन्होंने हालत कर दी। बार बार आपसे जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या बात हुई थी? जब आपसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हर साल होता है, 3 साल बाद 5 साल बाद होता है और हमें हमेशा काम मिलता है, काम करते थे, लेकिन 2020 के बाद इन्होंने पंजाब से काम चलाना शुरू कर दिया और वो चलाना इसलिए शुरू कर दिया कि उन लोगों को बेनिफिट हो रहा है जो पंजाब के लोगों का है। वो बेनिफिट होता है, वो कुछ ना कुछ लेन देन करते होंगे जिसके कारण उनको दे रहे हैं। बार बार हम बंद करते हैं, एक दिन के लिए बंद करते हैं, 2 दिन के लिए बंद करते हैं, जब हम थ्रेट देते हैं बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे, 2-4 दिन के बाद फिर चालू कर देंगे। क्यों नहीं जी, हमें जरूरत पड़ गई, ये होगा वो होगा, अच्छा बंद कर देंगे। तो बार बार उनको काम दे जा रहे हैं, हमारे लोग जो है भूखे मर रहे हैं, हमारे बैंकक्रप्ट हो गया, हमारे पास पैसा नहीं है, ड्राइवरों के पास खाने के लिए हमारे पास नहीं है। अगर ये हालात रहे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम अपनी गाड़ियां खड़ी कर दें और सरकार जो है काम करवा ले। मैं तो सरकार को कहूंगा आप इंटरवीन करिए, ऐसे मसलों का हल कीजिए, आर्मी को सुधारिए और इस ऑयल कंपनीज को सुधारिए ताकि इस तरह का काम ना करे, हमारे जेएंड के लोगों को काम मिले। जब से यूटी बनी है हमारी सुनाई जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं कहूंगा सरकार जागे और जाके हमारे मसले हल करवाए, नहीं करेगा। हमने 4 दिन का टाइम दिया, उसका कारण ये है एलओसी पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, उसके कारण मैं 4 दिन का टाइम दिया। अगर नहीं हल करते तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम अपनी गाड़ी विड्रा करेंगे, उसके कारण जम्मू और कश्मीर में तेल नहीं होगा, उसके जिम्मेवार जो होगी सरकार होगी, ऑयल कंपनीज होगी, हम नहीं होंगे। धन्यवाद सर। साफ तौर पर आज जम्मू कश्मीर जो टैंक ओनर एसोसिएशन ने अब चेतावनी दे डाली है कि अगर 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर 4 दिन के अंदर अंदर इनकी परेशानी का हल नहीं किया तो जम्मू कश्मीर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन्होंने सरकार से प्रशासन से ये भी निवेदन किया है कि इस मसले को इंटरवीन करके जल्द से जल्द परेशानी को हल किया जाए ताकि आने वाले समय में आम जनता इसे ग्रस्त ना हो। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।